हेलो दोस्तों, वेलकम टू नवजो एथलेटिक। आज हम बात करने जा रहे हैं सीबीएसई क्लस्टर गेम्स की जो न्यू अपडेट आई है उसके बारे में। अब जो सीबीएसई क्लस्टर गेम्स, उनकी रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ा दी गई है। पहले ये गेम 1 सितंबर से 20 सितंबर तक करवाए जाने थे, लेकिन अब इनकी डेट 30 सितंबर तक कर दी गई है। आप 30 सितंबर तक इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद आप लेट एंट्री भी करवा सकते हो। 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक यदि आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो ₹500 फीस आपसे पर स्टूडेंट पर इवेंट्स ली जाएगी, और वहीं यदि आप 8 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक एंट्री करवाते हो तो ₹1000 पर स्टूडेंट पर इवेंट्स ली जाएगी। लेकिन यदि आपको लेट एंट्री फीस से बचना है तो अपना जल्द से जल्द 30 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन करवा दें। फिर देखें लिस्ट ऑफ गेम्स एज ग्रुप एंड क्लस्टर जोनल्स रीजन्स। फिर ये भी बताया गया, यदि किसी स्कूल के पास गेम्स करवाने की सारी सुविधाएं प्रोवाइड है, वही स्कूल गेम करवा सकता है। ये गेम सीबीएसई बोर्ड के द्वारा करवाए जाते हैं, इसलिए इसके अंदर केवल सीबीएसई के स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो करंट टाइम में स्कूल के अंदर स्टडी कर रहे हैं। एक 3 से 4 मिनट की वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब के ऊपर, जो कि ये बताता है कि गेम्स करवाने की उनके स्कूल के पास सभी फैसिलिटी है और तभी उनके स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर स्टेप 1 में बताया गया, UID विल बी क्रिएटेड फॉर एवरी स्टूडेंट, कि प्रत्येक स्टूडेंट की एक UID बनाई जाएगी जो कि आगे उसके जब भी गेम होंगे उसके आगे तक काम आएगी। लेकिन ये UID जिन स्टूडेंट के पास है वही इसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ये UID उसके स्कूल के द्वारा बनाई जाएगी। सेकेंड स्टेप है अप्लाई टू पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट करने के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जो भी प्रोसेस है आप इसके अंदर देख भी सकते हैं। फिर नंबर 3rd स्टेप ऑर्गेनाइजिंग स्कूल। फिर नंबर 4th स्टेप है हाउ टू लॉगिन कैसे करें। फिर नंबर 5 स्टेप है मैपिंग ऑफ स्कूल। फिर नंबर 6 स्टेप करेक्ट डाटा एंट्री। फिर नंबर 7 स्टेप पर देख लीजिए एंट्री विद लेट फीस आफ्टर द लास्ट डेट, कि लास्ट डेट के बाद आपकी कैसे कैसे फीस लगेगी। जब आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा उसके बाद लेट एंट्री होगी उसमें। फिर 7 डेज के बाद ₹500 पर स्टूडेंट इवेंट फीस लगेगी। फिर 8 से 14 डेज बाद ₹1000 पर स्टूडेंट पर इवेंट लगेगी। फिर एज क्राइटेरिया देख लीजिए, अंडर 11, अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19, इन 4 एज कैटेगरी के बच्चे इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बॉयज गर्ल सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये एज का जो पूरा क्राइटेरिया दिखाया भी गया है, यदि आप अंडर 11 में हो तो आपका जो जन्म है वो 1/1/2013 से बाद का होना चाहिए, और अंडर 14 में हो तो 1/1/2010 के बाद, अंडर 17 में हो तो 1/1/2007 के बाद, अंडर 19 में हो तो 1/1/2005 के बाद आपका जन्म होना चाहिए। नंबर 9 स्टेप देख लीजिए, देखिए इसके अंदर यह बताया गया, यदि आप क्लस्टर या जोनल गेम्स के अंदर विनर होते हो तो कितने खिलाड़ी वो होते हैं जो नेशनल खेल पाते हैं। तो देखिए पार्टिसिपेट इन सीबीएसई नेशनल ईच कैटेगरी एंड एज ग्रुप, और लगभग सभी इवेंट्स में ऐसा ही होता है कि जो फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन वाला ही नेशनल खेल पाता है। स्टेप 10 के ऊपर यही बताया गया है कि जो भी स्कूल गेम को ऑर्गेनाइजेशन करवाएगा उसको कितनी फीस मिलेगी। जैसे ₹2,00,000 उसको मिलेंगे क्लस्टर जोनल गेम्स करवाएगा, और जो नेशनल करवाएंगे उनको ₹3,00,000 सीबीएसई के द्वारा दिए जाएंगे। लेकिन यदि आपके पास स्विमिंग और एथलेटिक्स इवेंट्स करवा रहे हो तो क्लस्टर जोनल के लिए ₹4,00,000 और नेशनल गेम्स के लिए ₹5,00,000 दिए जाएंगे। 11 स्टेप पर है वीडियोग्राफी, इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसके अंदर अभी भी यही दिखा रहा है कि 1/9/2023 से 20/9/2023 तक होगा, लेकिन इसकी डेट बढ़कर 30 सितंबर 2023 कर दी गई है। फिर डिस्प्ले ऑफ स्पोर्ट्स कैलेंडर जो कि 25/9/2023 था, अभी 30 तारीख से पहले पहले आपको बता दिया जाएगा, और जो इन गेम्स की जो डेट पहले अनाउंस की गई थी क्लस्टर जोनल की वो वही की वही रहेगी, 1/10/2023 से 25/10/2023। हाँ, यदि आप लेट एंट्री करवाते हो और आपका इवेंट्स पहले हो चुका है तो क्या पता आपको मौका भी नहीं मिले, इसलिए अपनी एंट्री जल्द से जल्द करवा दें। फिर देखिए, फिर इन गेम्स के अंदर यदि आप मेडलिस्ट होते हो तो नेशनल लेवल के गेम्स होते हैं जो कि 1/9/2023 से 10/9/2023 तक करवाए जाएंगे। सीबीएसई क्लस्टर गेम्स में नेशनल पर विनर हो जाते हो आप, खेलो इंडिया नेशनल इवेंट्स आगे आने वाले ओलंपिक्स के लिए तैयारी कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि स्पोर्ट्स से रिलेटेड और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और यदि वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।